तो आप भाई लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी इसमें आवाज आ रही है जब हमें रिटर्न हो रही है कार। इसमें बस एक दिक्कत और आती है, वेलकम बैक टू रैंग मोटर्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज की हमारी वीडियो रहने ह्यूंडई ओरा के अलॉय व्हील्स के ऊपर। हमारे जो भाई की कार, उन्होंने अलॉय व्हील्स अभी इसमें रिसेंटली डलवाए हैं। इसमें हमारे नॉर्मल व्हील कैप आते थे क्योंकि हमारा मैग्ना वाला वेरिएंट है 2020। तो अलॉय व्हील्स की बात करें तो भाई ने हमारे नियो के डलवाए हैं और ये हैं 15 इंची। टायर प्रोफाइल की बात करें तो भाई इसकी टायर प्रोफाइल है 175/65R15। तो लुक्स में भाई अलॉय काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसमें। लेकिन हल्की सी जो दिक्कत आ रही है अभी वो इसकी अड़ने की आ रही है, वो क्योंकि ये टायर साइज़ जो है इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ऊंचा दलवा लिया। ये 60 दलवाना था, 175/60R15, लेकिन इन्होंने 65 दलवा लिया। उसकी वजह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर ये मड फ्लैप जो हमारा पोर्शन है इस पे ये हमेशा अटकता रहता है। मैं आपको अभी ना इसको करके भी दिखा देता हूँ कैसे अटका हमारा। और यही चीज़ सेम हमारी को पैसेंजर साइड भी दिक्कत आ रही है इसमें। बाकी पीछे से अभी तक इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है टच वगैरह होने की, क्योंकि अभी इसमें 5 पैसेंजर बैठे नहीं हैं। 5 पैसेंजर जब बैठेंगे तो उसमें शायद उम्मीद है हमें कि यहाँ पे हल्का सा अट सकता है और गड्ढों में हल्की बहुत आवाज़ कर सकता है। तो बाकी ये चीज़ तो भाई आप आफ्टर मार्केट अगर जाओगे तो ये चीज़ थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अगर लुक की बात करें तो इस कार पे भाई अलॉय काफ़ी सूट कर रहे हैं, लुक इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। मैं आपको उधर से भी दिखा देता हूँ। इस अलॉय की कॉस्टिंग भी मैं आपको इस वीडियो में सारी बिल्कुल कम्प्लीट बताऊँगा, एक्सचेंज वगैरह करके क्या कुछ इसकी कॉस्टिंग पड़ी है। ये आप देख सकते हैं साइड से भी इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ से देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल भाई इसका टच हो रखा है। हमारी जो फेंडर लाइन है ना, इसके टायर बिल्कुल टच है, आप देख सकते हैं। तो मैं भी आपको है ना टर्न करके भी दिखाऊंगा कैसे हमारा हमेशा इस पर टच होता रहता है जैसे हम इसको मोड़ते हैं, और थोड़ा बहुत गड्ढों में भी हल्का बहुत ही हटता है। क्योंकि भाई ने हमारा बस एक ये गलती कर दी, इसमें 175/65R15 दलवा लिए जबकि उन्होंने दलवाने थे 175/60R15। उससे दिक्कत नहीं आती, उससे जो हमारी टायर की हाइट है ना ये वाली, ये चीज़ हल्की कम हो जाती है 5mm, तो उससे फिर ये अड़ने की दिक्कत इसमें नहीं आती। लेकिन लुक की बात करें तो लुक इसकी काफ़ी अच्छी हो गई पहले से, और हल्के हल्के टायर इसके बॉडी से बाहर भी हो गए हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अगर यही साइज़ भाई हमें ना कंपनी वाले जो हमारे रिम आते हैं उनमें दलवाएं ना, तो ये इतना चौड़ा टायर लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा इसमें 165 पहले दल रखा था, उसमें काफ़ी पतले टायर लगते थे। अब ये 175 है, लेकिन ये हमारे बाहर के अलॉय हैं। बाहर के अलॉय जो हमारे होते हैं आफ्टर मार्केट वाले अलॉय, वे हमेशा भाई थोड़े चौड़े ज़्यादा होते हैं, तो जैसे उसमें टायर दलता है वो टायर को खींच देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं हमारा जो अलॉय ये टायर से भी हल्का बाहर है। जो हमारा ये अलॉय होता है ना, ये काफ़ी चौड़ा होता है नॉर्मल जो हमारा कंपनी का रिम होता है उससे, और जो कंपनी के अलॉय आते हैं उनसे काफ़ी चौड़ा होता है, तो टायर को हमेशा इनर लाइनिंग से हल्का बाहर पुल कर लेता है, तो इसके कारण ही काफ़ी चौड़े लगने लग जाते हैं 175। बाकी इसमें 185 भी दल जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी कोई खास नीड नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं ये काफ़ी चौड़े हो गए हैं। अब ब्रेकिंग वगैरह स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी इंप्रूव हो गया पहले से, क्योंकि पहले इसमें 165 आते थे और वो काफ़ी पतले लगते थे। अगर उन 165 के आगे भाई टायर को देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे 185 है, लगता नहीं है कि 175 है, तो ये काफ़ी चौड़े लग रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें आपको टर्न करके दिखा देता हूँ कहाँ पर हमारा टायर इसमें अटक रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब हमारा देखिए टायर है ना टच हो रहा है, अब देखिए इधर भाई टर्न करेंगे हमारा, और ये देखिए इधर टच होएगा, ये देखिए आपने आवाज सुनी ना, ऐसे ही सेम हमारा भाई उस साइड भी हो रहा है। इस साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी हमारी बिल्कुल सेम ये इशू आ रही है। ये देखिए यहाँ पे भी जो हमारी इनर फेंडर लाइन है ना, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैच भी आ गई थोड़ी सी फेंडर लाइन पे टच होने की वजह से, तो ये इसमें हल्का सा इशू आ रहा है। हमारा टायर साइज थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए थोड़े बहुत ये घिसेंगे तो वो भी इसमें सेट हो जाएगा। तो आप भाई लुक चेक कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी इसमें आवाज आ रही है जब हमें रिटर्न हो रही है कार। इसमें बस एक दिक्कत और आती है, आपको ना बड़ी संभाल के चलानी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे ये अलॉयज है ना ये हल्के हल्के टायर से बाहर हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये पत्थर वगैरह में लग के भाई इनके ना थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रख के इसको चलानी होती है। हल्का सा भाई की एक अलॉय पे स्क्रैच भी आई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से वाले पे आई थी, वो पत्थर ही लग गया था एक्चुअली उसमें। इन वाले अलॉय में हल्की सी दिक्कत रहती है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहा ना,
हल्की सी इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है पत्थरों में, बस बिल्कुल आपको आराम से चलानी होती है। यहाँ पे भी हल्का सा इसमें डैमेज हो रहा है हल्का सा, क्योंकि अलॉय भाई हमारे टायर से बाहर है। लेकिन लुक की बात करें तो लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने लगी इसकी पहले से, क्योंकि इसमें पहले नॉर्मल व्हील कैप आते तो बिल्कुल बेकार लगते थे। अब इन अलॉय व्हील्स की भाई कॉस्टिंग की बात करें तो आफ्टर मार्केट हमें कॉस्ट किए 35,000 के, आफ्टर जो हमारे पुराने वाले टायर थे वो एक्सचेंज में दे के, जो रिम थे वो भी एक्सचेंज में दे के, उसके बाद हमें कॉस्टिंग पड़ी है अलॉय और टायर्स की। तो कॉस्टिंग इसमें काफ़ी सही पड़ेगी, बाकी कंपनी के भी लेते तो भी वो इतनी कॉस्टिंग में बिल्कुल आराम से आते, इससे ज़्यादा आते 20-25 हज़ार के वाले होते और 20-25 हज़ार के टायर डलते, तो वो भी 35-40 हज़ार का ही है। लेकिन इसमें भाई जो लुक आ रही है ना कार की वो अलग ही आ रही है, इसमें हल्के हल्के टायर आपके चौड़े भी हो गए तो इसकी काफ़ी बढ़िया लुक लग रही है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका काफ़ी इंक्रीज़ हो गया पहले से। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें पहले जो आता है वो 14 इंच का रिम था नॉर्मल, और अब हमने इसमें डलवा दिया 15 इंच का अलॉय व्हील, और उसके बाद फिर इसमें जो हमने टायर प्रोफाइल है वो भी इसकी इंक्रीज़ कर दी, वो 65 दिलवा दी, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस पहले से इंक्रीज़ हो गया। तो हमारे जो ओनर है भाई उनको भी लगता है इसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस पहले से ऊंची होगी, क्योंकि इनके यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती थी यहाँ से इसका बम्पर पे स्क्रैच करके, पहले ये हल्की बहुत टच होती थी इनके घर के रैम पे, लेकिन अब नहीं होती। और टायर्स की बात करें तो भाई ये हमारे टायर है योकोहामा कंपनी के, टायर काफ़ी बढ़िया है इसका, ये अर्थ वाला वेरियंट हमारा योकोहामा का, तो ये वाले टायर काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि योकोहामा के, तो इनकी कॉस्टिंग काफ़ी सही आती है, बाकी ब्रिजस्टोन वगैरह के हल्के से थोड़े बहुत प्राइस में डिफरेंस आता है, लेकिन भाई ने हमारे योकोहामा को चूज़ किया तो योकोहामा के टायर भी काफ़ी बढ़िया हैं। जो हमारे जो इसमें रिम आए थे और जो टायर्स थे वो चल चुके थे 12-13 हज़ार, और जो उनकी एक्सचेंज वैल्यू लगी थी वो 10 हज़ार के आसपास लगी थी, तो 10 हज़ार घटाने के बाद भाई टोटल जो बिल बना था वो 35 हज़ार रुपये का बना था। मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा, अगर आपको बिल चाहिए होगा तो मैं आपको शॉप का एड्रेस भी दे दूंगा अगर किसी भाई को परचेज करने होंगे। तो यही थी एक वीडियो भाई जिसमें मैं आपको ओरा के अलॉय व्हील्स के बारे में बताना चाहता था कि अगर आप अलॉय व्हील्स डलवाते तो कौन सा टायर साइज आपको डलवाना चाहिए, कौन सा नहीं डलवाना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।